अब का हुआ यार, अब यहाँ का हुआ हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है, हम लोग आए हैं दशम फॉल जो कि घूमने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ दशम फॉल का पार्किंग है। और इस साइड हम लोग दो बाइक लाए हैं, तो दोनों का पार्किंग चार्ज इधर दे दिए हैं। और अभी हम लोग इस साइड की ओर नीचे की ओर चलेंगे, तो अभी चलिए चलते हैं और नीचे की ओर का भी दिखाता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा जंगल एरिया में है, तो अभी चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पार्क कर दिए, और अभी हम लोग नीचे की ओर चलेंगे। सब एक बार हाय करो। तो देख सकते हैं हम लोग पूरा ग्रुप में आए हुए हैं, और अभी हम लोग नीचे की ओर चलेंगे। अब आए हुए हैं दशम फॉल, आए हुए हैं, अभी फाइनल पहुंच गए सारे लोग हैं। एक और तो हंसा नहीं भाई, कहाँ है एकदम सारा लास्ट में पूछेगा एकदम, मैंने कहा है। तो गाइस अभी हम लोग पूरा टीम के साथ आए हुए हैं, और अभी हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। और देख सकते हैं सब, और बाइक तो यहाँ पार्क कर दी है। और की ओर देख सकते हैं खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा सुविधा है, और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए दशम फॉल। और अभी हम लोग पूरा टीम आगे जा रहा है, और अभी हम लोग भी पीछे पीछे हैं। अगर दशम फॉल के बारे में जानना है तो आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, और दशम फॉल के बारे में आप जान सकते हैं। और इतने काफ़ी जंगलों के बीच काफ़ी खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है, और ये है दशम फॉल का व्यू। और अभी हम लोग इस साइड की ओर नीचे की ओर चलेंगे, तो अभी देख चलते हैं नीचे की ओर। और हम लोग का जो ग्रुप था वो तो नीचे जा चुका है, तो अभी हम भी चलते हैं पीछे पीछे। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसको हम लोग गांव में खुपड़ी के नाम से भी जानते हैं, और हमने और देख सकते हैं हम लोग का टीम इस साइड हो सब खड़े हैं, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है। हाय गाइस, आज सभी देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छा खूब व्यू आ रहा है। और ये दशम फॉल रांची से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में स्थित है ये फॉल। और इसकी ऊँचाई की बात किया जाए तो 44 फीट है। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, और यहाँ से देख साइड की ओर भी देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू आ रहा है, और बारिश का मौसम भी किया हुआ है, देखते हैं बारिश भी आ सकती है। तो अभी हम लोग फिलहाल देख सकते हैं सामान बेचते हैं यहाँ पर, और अभी हम लोग नीचे ही जा रहे हैं। और यहाँ पर फॉल दशम फॉल आए हैं घूमने के लिए, और कैसा लगा घूमने? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, एक घंटा से आए हैं, बकरा बनवा के आए थे, ठीक है। जितने हम लोग आए थे तो सब वहाँ पर बैठे खड़े हुए, देख सकते हैं सब वहाँ पर है खड़े, और हम अभी सबसे ऊपर में हैं। अभी यहाँ पर है सबसे ऊपर में, और जो अंकल जो बना रहे थे उसी के जस्ट नीचे है, और अभी हम नीचे की ओर चलेंगे। ऊंचाई से हम लोग नीचे उतरते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। तो फाइनली हम अपने टीम के पास आ चुके हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर तीन लोग हैं, हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए सोच रहे हैं। तो और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है, तो खींचने के लिए सभी फोटो खींचते हैं। तो गाइस अभी हम लोग को पूरा यानी कि बाइक के तो सेल्फूल के तो खिंचवा लिए हैं, और साथ में देख सकते हैं हम लोग अब यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेहनत करके बना रहे हैं अंकल जी, और अभी हम लोग
तो गाइस अभी हम लोग उस साइड की ओर गए थे और उस साइड से नीचे उतरे थे और अभी हम उस साइड से इस साइड की ओर अभी जा रहे हैं, नीचे की ओर अभी नीचे उतरेंगे इस साइड, यानी कि सेल्फी पॉइंट है जो कि यहाँ पर व्यूइंग पॉइंट भी या यू कहते सेल्फी पॉइंट भी है। काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है इस साइड की ओर और देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है इस साइड की ओर और देख सकते हैं तो अभी हम लोग उस साइड की ओर गए थे, सबसे नीचे उतरे थे उस साइड की ओर से ऊपर की ओर चढ़े और ऊपर से इस साइड की ओर उतरे हुए हैं और अभी हम लोग ऊपर की ओर अभी चलेंगे। तो फाइनली हम लोग ऊपर से नीचे से हम लोग ऊपर उठ चुके हैं, सब पर कुरकुरे खा रहे हैं, सब बैठे हुए हैं और हम लोग इस साइड की ओर सबसे नीचे गए थे उस साइड और अभी हम लोग वहाँ से उठ चुके हैं, हम भी चलेंगे और यहाँ पर सामान उमान यानी कि खिलौना उलौना सब कुछ बिक रहा है और सब बिकता है, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत और कि श्रृंगार उंगार लेडीज का भी सामान है पंखा भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत पंखा ले ले तो ये कितना का है, छोटे छोटे बच्चों का खिलौना बेच रहा है, वैसे लड़की के लिए लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, सब कुछ है लेकिन जेंट्स के लिए कुछ नहीं है। देख सकते हो बुलेर मांगा, अरे वैसे नहीं चलाया जाता है, वैसा वे उल्टा चला रहा है, वैसे उल्टा देखा लाइट वाला जंगल एरिया चलाने नहीं आता है, चला वैसे चलाया, अरे किसी को मार मत देना पीछे का मंकी आया मंकी बुलेर भी देख सकते हैं, कुछ है अबे पूछ रहे हैं जैसे कि बुलेर चलाने भी नहीं जानता, बुलेर खरीद रहा है ट्रैक्टर थोड़ा ले फोटो मोटो नहीं खींचो रहा है ए फोटो लेकिन एड्रेस से बार बार 20 किलोमीटर की दूरी में है और ये काफ़ी जंगलों यानी कि वनों के बीच में ये जलप्रपात है और रांची के जितने भी जलप्रपात हैं उनमें से एक जलप्रपात है दशमफल जलप्रपात जो कि काफ़ी खूबसूरत जलप्रपात है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और देख सकते हैं अभी भी लोग आ ही रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है और जैसे अभी बारिश भी हो रही है तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते तंबू में बचे हुए हैं जो कि यहाँ पर भैया जी खिलौना बेच रहे हैं तो उसी के जस्ट नीचे भी हम लोग यहाँ पर बचे हुए क्योंकि इसके जस्ट ऊपर में भी है रहने के लिए जगह भी है तो वहाँ पर भी हम लोग गए हुए हैं और वहाँ पर होटल भी है तो वहाँ हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं और यहाँ भी यहीं पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा, अच्छा लग रहा है और यानी कि मस्त हवा भी चल रही है ठंडी और मौसम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत मौसम है और आज धूप भी नहीं किया हुआ है ज़्यादा धूप और इस बिना बैटरी का चलने वाला फैन है, कोई बैटरी का जरूरत नहीं है जो कि फेस में यानी फेस में गर्मी कभी पड़ जाता है तो जिसके कारण आप इसको खरीद के इसको इस तरह कर सकते हैं जो कि फैन है मेरे बच्चों को खेलने के लिए ही फैन है और यूँ कहे तो बच्चों के लिए काफ़ी भैया अलग अलग वाला नहीं है। हम लोग यहाँ से हम चलते हैं फिलहाल ऊपर की और इन लोग यहाँ सुखाए जब भी बारिश हो रही है देख सकते हैं और अभी हम यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं फिलहाल और जो मेरा फ्रेंड लोग है मेरे दोस्त लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं नीचे की ओर और अभी हम देख सकते हैं अकेले ही है इस जंगल में। तो भाई जब हम वहाँ बैठे हुए थे वहाँ से हम जस्ट नीचे आ चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं बाइक क्या स्मार्ट लग रहे हैं पर्स भी है, अरे ये चश्मा का कर दिया पर बंदर का बच्चा है तो बंदर का बच्चा का शायद देखने के लिए जा रहा है, भाग गया और यहाँ पर ये सेल्फी खिंचवा रहे हैं देख सकते हैं और तो गाइस अभी फाइनली बारिश छूट चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पर स्वच्छता का भी ध्यान दिया गया है, स्वच्छता का भी ध्यान रखा गया है। अभी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और अभी हम लोग देखते हैं तो निकलेंगे रूम की ओर, आप फोटो खिंचवा सकते हैं और अभी हम लोग
ऊपर चढ़ चुके हैं और देख सकते हैं साइड चिल्ड्रेन पार्क है, बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है और अभी हम लोग चल रहे हैं। नहीं बनेगा दादी तो जाना है किस दो खानी दे बे तो गए। यहाँ पर खाने का भी व्यवस्था है और देख सकते काफी ज्यादा पर्यटक भी आ रहे हैं, देख सकते पार्किंग का काफी व्यवस्था है और यादि मानव द्वारा लिखा गया यार तब तो जूम करके पड़ेगा तब तो। अच्छा फोर व्हीलर पार्किंग के लिए काफी व्यवस्था है, काफी सुंदर व्यवस्था है और अभी हम लोग फिलहाल चलेंगे। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पर्यटक आते हैं तो रांची का जितना भी पर्यटक स्थल है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो गाइस जब हम लोग बाइक को यहाँ से निकालेंगे और चलेंगे रूम की ओर देख सकते हैं खिलौना हमी को देता हम ही पकड़ के लेके चलेंगे और देख सकते हैं अभी बाइक निकाल रहे हैं और अभी हम लोग चलेंगे रूम की ओर। और यहाँ पर देख सकते भाई लोग वहाँ पर खड़े हैं और अभी हम इस साइड ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं और यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक पार्किंग का सुविधा है और काफ़ी खूबसूरत जगह है और यानी कि जंगलों के बीच में है दशम फल दर्पण पर जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और अभी हम दिखाते हुए हम लोग वहाँ पर गए थे सबसे नीचे और यानी कि उससे नीचे उतरे थे, इस साइड की ओर तो उतरने का जगह नहीं है तो इस साइड से आप उतर सकते हैं और हम लोग उस साइड से नीचे उतरे थे और यहाँ पर हम लोग अभी ऊपर सबसे टॉप पर पहुँच चुके हैं और वहाँ देख सकते हैं यहाँ से जो कि कांची नदी है और इसी में दशम फल दर्पण पात है। यहाँ पर हम लोग नीचे गए थे दशम फल जलप्रपात जो कि उस साइड की ओर से नीचे उतरे थे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू भी आ रहा है और हम फिलहाल नीचे से तो ऊपर उठ चुके हैं और अभी हम लोग चलेंगे। फिलहाल तो भाई लोग देखते हैं बाइक लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देख सकते डोगी पूरा खतरनाक डोगी है, तो भागो बेटा भागो। तो अभी फिलहाल हम इस साइड की ओर गए थे नीचे और हम अभी पूरा टॉप पर उठ चुके हैं और भाई लोग अभी वहीं पर है नीचे में ही है और हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और अभी हम लोग रूम की ओर चलेंगे। तो गाइस जब इस वीडियो को एंड करता हूँ वहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।